विपक्षी एकता के तीन बड़े चेहरे यानी ममता बनर्जी, मायावती और अखिलेश यादव इस डिनर में नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टियों के नुमाइंदे थे। शरद पवार और तेजस्वी यादव सरीखे नेताओं ने इसे विपक्षी एकता की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम माना है। लगता है कि विपक्षी पार्टियां अपने छोटे मतभेदों को भुलाकर अपने बड़े गोल की तरफ बढ़ना चाहती हैं, और वो बड़ा गोल है 2019 के चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना। ये भोज राजनीति के लिए नहीं, परंतु ये स्वाभाविक है कि जहां सरकार संसद को चलाने में रुचि नहीं ले रही, वहां जब विपक्ष के वो सारे नेता जो अपने अपने तरीके से इस देश के लोगों की समस्याओं को लेकर जागरूक भी हैं, चिंतित भी हैं, जब वो मिलेंगे तो प्रदेश और देश की राजनीति पर चर्चा तो अवश्य होगी। राष्ट्रहित में वो सारे कदम किसान के लिए, नौजवान के लिए, गरीब के लिए कैसे उठाए जाएं, उन पर तो कोई ना कोई वार्तालाप अवश्य होगा। और संसद जो धुरी है देश की, उसमें सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित कैसे हो, इस पर तो अनौपचारिक बातचीत अवश्य होगी। परंतु इस रात्रि भोज का केवल एक लक्ष्य था, संसद चल रही है, कम से कम एक सौहार्द और मित्रतापूर्ण माहौल में विपक्ष के सब नेता बैठकर एक दूसरे से व्यक्तिगत भी और राष्ट्र के मुद्दों पर कम से कम विचार सांझे कर सके, आदान प्रदान कर सके। दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ टुगेदरनेस ऑफ द नॉन बीजेपी फोर्सेस इन इंडिया, एंड आई थिंक इट हैज नाउ पिक्ड अप पेस, एंड फ्रॉम north to south and east to west, whole of India, non-BJP political local sartaps, political forces are all pulling up socks to come together to make a formidable challenge to Bharatiya Janata Party in the next election 2019. It's not to prevent the NDA, but to install Mr. Rahul Gandhi, despite his failure as the prime ministerial candidate of opposition parties, that this dinner is being hosted. Everybody knows that Mr. Rahul Gandhi became the vice president and gave successive defeats to the Congress. Even when he became president, he gave defeats after defeats to the Congress, barring one state, Punjab. It's only in the Congress that, despite failures, you get rewarded because you belong to the dynasty.